लाठी टेकते हुए मोहल्ले का चक्कर काटती, सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती। कुशल क्षेम का अर्थ है कि उनका वह कैसे हैं, कोई उनको प्रॉब्लम कोई तकलीफ तो नहीं है, तो इस तरह से वो उनको पूछती। सांझ ढले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। अर्थात बच्चों, इस पाठ का आशय क्या है? इस पाठ का आशय है, पाठ का आशय, आशय का मतलब समरी। इस पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर, असहायकों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। परोपकार का अर्थ है असहायक, एहसान। परोपकार, परोपकार का अर्थ है एहसान करना, किसी की सहायता करना, किसी की कोई भी मदद करना। बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे रिश्ते खून के रिश्ते जितने भी हैं, उनका हमें आदर करना चाहिए और इसके साथ हमें मानवता का भी आदर करना चाहिए। हर एक धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें मानवता का आदर करना चाहिए, चाहे वो, क्षमा कीजिए, मानवता का पालन करना चाहिए।